पहली बार आया था इस स्टेडियम में, 6 घंटे मैं खड़ा रहा था। और दोस्तों मुझे जगह याद है, वो जगह एफ वाली थी, और दोस्त मेरे पास जगह नहीं थी बैठने के लिए। मैं अपने पैर दोस्त दोनों पर खड़ा रहा था, मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, इतना दर्द हो रहा था। लेकिन जब मैं डायमंड को सुन रहा था ना, एक अंदर से आग लग रही थी कि फर्क नहीं पड़ता है कि अभी आप कहां पर हो, फर्क नहीं पड़ता है कि अभी आप कहां पर हो, फर्क तो इस बात में पड़ता है कि आपको जाना कहां पर है, आपको जाना कहां पर है। दोस्त नाम संजय कुमार है। आज से 40 महीने पहले मैंने SBPS को शुरुआत किया था। दोस्त एक ऐसी जिंदगी थी मेरी जहां मैं सोचा करता था कि यार भगवान ने क्या दिया मुझे, इससे अच्छा तो ना ही देता। मैंने कई बार 3 बार सुसाइड करने का प्रयास किया। मैंने कहा यार जिंदगी खत्म करते हैं, कुछ भी घर में रखा है। लेकिन एक बात मेरे माइंड में आई, इतनी आसानी से हार नहीं मानना। उस ऊपर वाले ने मुझे रिजेक्ट किया कि तू कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन मैंने खुद अपने आप को सेलेक्ट किया कि यस तू कुछ कर नहीं, तू बहुत कुछ कर सकता है, तू बहुत कुछ कर सकता है। और दोस्त परवाह किसी बहुत अच्छी नहीं थी, एक किसान परवाह से बिलोंग करता हूं, पापा जी किसान है। मुझे दोस्त बहुत याद है जब मेरी कॉलेज की फीस 32 रुपए हुआ करती थी, मैं 6 महीने दोस्त का क्लास की दोस्त कॉलेज की फीस दे पाता था। बस अंदर से एक आवाज आती थी, कोई बात नहीं, आज मेरा समय नहीं है। दोस्त बहुत बुरे हालात थे मेरे, बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कंडीशन में हो, आपके हालात क्या हैं, आप किस परिस्थिति में हो। दोस्त फर्क नहीं पड़ता है, फर्क तो इस बात पड़ता है कि आपकी सोच कितनी बड़ी है, आपकी चाह कितनी बड़ी है, आपके सपने कितने बड़े हैं, आपका दिल कितना बड़ा है। और दोस्त जब मैं लोगों को प्लान नहीं आता था, लोग बोला करते थे आप लाखों की बात करते हो, पहले तो अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। आप लाखों की बात करते हो, पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। मैं कहा करता था कि यार क्या फर्क पड़ता है कि मैं पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता, क्या फर्क पड़ता है। इस दुनिया में हैंडीकैप 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है फिजिकल हैंडीकैप और एक होता है मेंटल हैंडीकैप। दोस्त मैं फिजिकल हूं लेकिन मेंटल नहीं। इस दुनिया में बचाने से कितने लोग हैं जो मेंटल हैंडीकैप है, जब प्लान ले जाते हैं इनको बताते हैं कि यस आप कर सकते हो, और उनके पास बहाने होते हैं, उनके पास एक्सक्यूज होते हैं कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे पास तो समय नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है। लेकिन दोस्त जिंदगी में एक बात याद रखना, लाइफ में डिसाइड आपको करना है कि आपको चाहिए क्या, बहाने या पैसे, चॉइस यू, वन चॉइस। अगर आप बहाने मारोगे जिंदगी में तो दोस्त पैसे नहीं कमा पाओगे, और अगर पैसे कमाने चाहोगे तो बहाने नहीं मार पाओगे। दोस्त शुरुआत दोस्त किया, मैं बहुत सारे लोग देखता हूं काम करते हैं लेकिन पता नहीं क्या करते हैं, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई वजूद नहीं, आते हैं बस भीड़ के हिस्सा बन के रह जाते हैं। लेकिन दोस्त मैं बताना चाहता हूं, डे वन से मैं SBPS परिवार में आया था, मैंने कसम खाई थी और मैंने महागुरु जी को वादा किया था कि गुरु जी शरीर देख करके और चेहरा देख करके आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं क्या कर सकता हूं। और मैंने सबसे वादा किया था कि मैं वो काम करके दिखाऊंगा, मैं वो काम करके दिखाऊंगा कि जिंदगी हमेशा प्राउड होगा। और दोस्त अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, हेलो अभी तो शुरुआत है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। और दोस्त मैं देखता हूं जिंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं बिजनेस करने के लिए, लेकिन वो कुछ समय करने के बाद पीछे बैक चले जाते हैं और लाइफ में सफल नहीं हो पाते हैं। कुछ बात कुछ मैसेज देना चाहूंगा मैं, कि उस सर ने कहा है, मैंने कहा कुछ मैसेज देने के लिए, तो मैं कुछ मैसेज देना चाहूंगा। तो जिंदगी में सबसे पहले आपको चॉइस करना है कि आपको लाइफ में सफल क्यों होना है, आपको पहले चॉइस करना है कि जिंदगी में सफल क्यों होना है। बहुत सारे लोग सब काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपने परिवार वालों को खुश भी कर लें, अपने बच्चों को भी खुश कर लें, अपनी वाइफ को भी खुश कर लें,
सब चाहते हैं कि सबकी खुशी रहे, उसके पास सब हो जाए, दोस्त नहीं हो पाएगा जिंदगी में। एक दोस्त, एक बात रखना, अगर आप रहोगे अवेलेबल तो जिंदगी में कभी नहीं बनोगे अवेलेबल। 3 साल हो सकता है कि आपका बच्चा आपसे नाराज हो जाए क्योंकि उसके पतरे में आप नहीं होंगे। हो सकता है कि आपकी वाइफ आपसे नाराज हो जाए, उसके पतरे में ना हो, अपनी एनिवर्सरी में ना हो। हो सकता है वो आपसे नाराज हो जाए। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपसे नाराज हो जाए कि उनके टाइम नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्त, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि 3 साल शिद्दत से SLPS पैलेस को शिद्दत से ऐसे कैरियर करते रहना। दोस्त, मेरा यह वादा है, आप भूल के नहीं, आप पूरे संसार के ऐसे पहले व्यक्ति होंगे, इस वर्ल्ड के पहले व्यक्ति होंगे, सबसे बेस्ट पिता होंगे, सबसे बेस्ट हस्बैंड होंगे और सबसे बेस्ट बेटा होंगे आप। 3 साल बाद मुझे बहुत न्याय दोस्त, जब मैंने सर्विस ज्वाइन किया था, मैंने कसम खाई थी जब तक IT पे टोपाज शो नहीं होगा तब तक घर का मुंह नहीं देखूंगा। मैंने कसम खाई थी दोस्त, मैंने 6 महीने अपनी मां से बात नहीं की थी, मैं अपने घर पे नहीं गया था। मुझे बहुत न्याय था, मुझे पता था मेरी मां मुझे गाली देती होगी और सोचती होगी कैसे बेटे को पैदा किया मैंने। लेकिन मैंने कहा था 6 महीने बाद, 3 साल के बाद तुझे प्राउड होगा कि तूने किसी सपूत को नहीं, तूने एक सपूत को जन्म दिया है, तुझे प्राउड होगा। और दोस्त, आज मेरा परिवार नहीं, आज मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, जितने मेरे से रिलेटेड हैं, आज सारे लोग खुश हैं, सारे लोग हैप्पी। तो दोस्त, जिंदगी में डिसाइड करना कि पहले चाहिए क्या, सक्सेस या लाइफ। हाँ ना, एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा मैं। एक बार की बात है कि एक खरगोश और एक कुत्ता, खरगोश दौड़ रहा था, कुत्ते ने खरगोश को पकड़ना चाहा, बहुत भागा वो खरगोश, बहुत भागा कुत्ता, बहुत भागा, और भागते भागते वो खरगोश बिल में घुस गया। उस कुत्ते ने उसे एक बात कही कि भाई खरगोश भाई, मैं आपको खाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर, तुमसे ज्यादा शक्तिशाली, लेकिन तुम्हें पकड़ क्यों नहीं पाया। तो खरगोश ने एक बात की, जानना चाहेंगे, उसने एक बात कही कि कुत्ते भाई, आप लंच के लिए भाग रहे थे और मैं लाइफ के लिए भाग रहा था। दोस्त, SLPS पहले से बहुत से लोग आते हैं, कुछ लंच के लिए काम करते हैं और कुछ मेरे जैसे लाइफ के लिए काम करते हैं कि कुछ करके जाना है इस दुनिया में, ऐसे नहीं जाना है। और दोस्त, मैं 5,000 रुपए की सोच लेकर आया था कि SLPS पहले से 5,000 रुपए कमा लेंगे, पढ़ाई का खर्चा मेंटेन कर लेंगे। दोस्त, आज SLPS बनने से महीने का 5 लाख रुपए कमाता हूं, 5 लाख रुपए। और दोस्त, शुरुआत किया था मैंने, मुझे बहुत दिक्कत होती थी, बहुत बड़ा महत्व थी, मैं जहां प्लान में दोस्त नहीं आता था, मैं चल नहीं पाता था, ट्रेन पे चढ़ने के लिए मुझे किसी की हेल्प चाहिए थी, बस में चढ़ने मुझे हेल्प चाहिए थी, ऑटो पे, टैक्सी पे, दोस्त मैंने लोगों को पैदल जाके प्लान दिखाया। मैंने कसम दोस्त खाता था, कोई बात नहीं, हालात कैसे हैं, आज तक मैंने कभी दोस्त बहाना नहीं किया, कभी एक्सक्यूज नहीं किया दोस्त। और दोस्त, आज इस चीज को 20 लाख रुपए की टॉप मार्क होना स्वीकार करता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत सोच अंतर आ गए लेकिन समय नहीं है। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा दोस्त, आज मैं जिसकी वजह से खड़ा हूं, मैं दोस्त एक बात बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग अप्लायंस से सिर्फ काम से काम करने के लिए बात करते हैं, लेकिन दोस्त मैं ऐसा बंदा हूं कि अपने अप्लायंस से सच्ची मोहब्बत करता हूं। कोई अपनी वाइफ से क्या करता होगा, अपनी गर्लफ्रेंड से क्या करता होगा, अपने मामा से क्या करता होगा, दोस्त मैं अपने अप्लायंस से इतनी मोहब्बत करता हूं, मैं चाहूंगा हमारे महापुरुष जी विश्व राजीव सर के लिए अब तक की सबसे शानदार तालियां जोड़ा तालियां। थैंक यू सर, आप मेरा सहारा, मांगुरी दीप शर्मा सर, मांगुरी नंदी सर, मांगुरी राव सर। और दोस्त, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सिर्फ एक व्यक्ति की ताकत थी, एक व्यक्ति की साथ था, एक व्यक्ति का सपोर्ट था, जिसके लिए मैं खड़ा हूँ, वो दोस्त कोई और सच नहीं है, हमारे भगवान, हमारे रोल मॉडल श्री मांगुरी महाराज सर। थैंक यू मांगुरी जी। और गुरु जी, मैंने आपसे बाधा है, 240 डायमंड है आज SLPS में, मेरा नंबर 216 में है। मैं गुरु जी आपसे वादा करता हूँ कि 2025 का सूरज अस्त नहीं होगा पूरी कंपनी में। आज वैसे भी यूनिक हूँ हैंडीकैप बन के, लेकिन हैंडीकैप नहीं, काम की दम पे टॉप 10 में जाऊंगा। मांगुरी जी, मेरा आपसे वादा है, थैंक यू सो मच एंड प्लीज द बेस्ट एंड गो ब्रांड।
थैंक यू सर। आप सभी की जोरदार तालियां फॉर मिस्टर संजय कुमार एवरीवन। आइए इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपनी अगली